सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योगी है वो भक्ति योगी है। जितने प्रकार के योगी भक्तिता बताए गए हैं, इनमें से कोई भी योगी भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। कर्म योगी करेगा, बाकी दुनिया जहान के सारे काम सेवा भी नहीं करता। थोड़ा आगे डोनेशन देंगे, लो प्रभु जी हमारी तरफ से 2100 रुपए, थोड़ा सा भक्तों को हलवा करा देना। अच्छा कथा में आया, मैंने कहा कथा कुछ नहीं आते, हलवा खिला देना। अच्छा 2100 ले लो, लेकिन कथा नहीं मत बोला करो। तो कर्मयोगी होते, कर्म तो अपना करेंगे लेकिन कर्मों का फल भगवान को देंगे, लेकिन भगवान में भी कोई रुचि ऐसा होती नहीं है। तो कहीं आज जो आज बाहर घूम रहे हैं, आज हम कर्मयोगी है, जिसमें लोग बहुत चौड़े होते हैं, कर्मयोगी है कर्मयोगी है। प्रभुपाद ने बोला है, जो कर्मयोगी मतलब यू आर थर्ड क्लास योगी। एक तो बोला, एक व्यक्ति ने अपने आपको इंट्रोड्यूस किया, स्वामी जी आई एम फला फला, आई एम अ कर्मयोगी। दैट्स थर्ड क्लास योगा, एकदम शुरुआती योग है। उधर कर्मयोग तो दुनिया जाने सारे काम करो, ये लोग वहां थोड़े फलाम रखो, थोड़े फलाम खाए, वहां क्या बात है, सब काम कर। तो कर्मयोगी भी भगवान की सेवा नहीं करता। ज्ञान योगी किताब तो पढ़ता है, श्लोक भी याद कर लेता है, लेकिन सेवा ज्ञान ही नहीं करता, तो ये भी सेवा नहीं करता। अष्टांग योगी जो है बाकी सब कर लेगा, आसन वासन ये वो, ऊपर नीचे मयूरासन, चक्रासन, धनुरासन, आसन सारे लगा लेगा। ऐसा लेकिन थोड़ी सेवा नहीं, एक मिनट ऐसा सेवा कर लेते, देख लेता बिजी है। ये सब कर लेगा तो भाई सेवा सेवा तो ये भी नहीं करता। तो सेवा भला कौन करता है? श्रद्धावान भजते यो माम। भजते शब्द का मतलब ये है सेवा, सेवा तो इसलिए क्योंकि सेवा कौन करता है? अल्टीमेट सेवा करता है भगवान का भक्त, इसलिए वह आता है इस कैटेगरी में, मत कर्म कृतम। भगवान के कार्य करने वाला ये भक्त है।